क्लास 9 चैप्टर नंबर 2 स्वर्ण काका। लास्ट वीडियोस में हमने इसका एक्सप्लेनेशन पूरा देख लिया था। इस वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक पदेन उत्तरम दिदत, इसमें आपको लिखत, इसमें आपको वन वर्ड में आंसर देना है। माता काम अदिशत, माता ने किसे आदेश दिया था, तो पुत्रीम, इसका आंसर है पुत्री को आदेश दिया था। आंसर्स आप इसके जस्ट ऊपर देख सकते हैं लिखे हुए। नंबर 2 देखिए, स्वर्ण काका कान आ खादत, सोने के कौवे ने क्या खाया था, तो चावल को खाया था, तंडुलान। नेक्स्ट देखिए, प्रसाद कीदृश वर्तते, मतलब महल जो था वो कैसा था, तो महल सोने का था, स्वर्णमय आंसर है इसका। नेक्स्ट देखिए, ग्रहमा गत्य तया का समुद्घाटिता, घर जाकर उसने क्या उद्घाटित किया, क्या खोला, तो उसने पक्षा जाके खोला था, तो मंजूषा। नेक्स्ट देखिए, लोभाविष्टा बालिका कीदृशी मंजूषा नयती, लोभ से लोभी जो बालिका थी वो कौन सी मंजूषा या कैसा बक्सा लेके आई थी, तो बृहत्तमा, मतलब सबसे बड़ा बक्सा लेकर आई थी। नेक्स्ट आ जाइए इसके ख वाले पर, इसमें अधोलिखिता नाम प्रश्नान उत्तराणी संस्कृत भाषायाम लिखत, इसमें आपको वन लाइन आंसर देना है। उसके आंसर्स भी आप जस्ट ऊपर देख सकते हैं, मैं क्वेश्चन पढ़ रही हूँ, उसके जस्ट ऊपर उसका आंसर है, आप देख लीजिएगा। फर्स्ट देखिए, निर्धनया वृद्धाया दुहिता कीदृशी आसीत, गरीब वृद्धा जो बूढ़ी औरत जो थी उसकी बेटी कैसी थी, तो इसका आंसर देखिए, निर्धनाया वृद्धाया दुहिता विनम्रा मनोहरा च आसीत, मतलब बूढ़ी जो निर्धन जो वृद्धा थी उसकी बेटी कैसी थी, विनम्र थी और मनोहर थी। नेक्स्ट देखिए, बालिकाया पूर्वम कीदृशम काकम न दृष्टः, बालिका ने पहले कैसा कौवा नहीं देखा था, तो बालिकया पूर्वम रजत चंचुः स्वर्ण काका न देख न दृष्ट आसीत, बालिका ने पहले सोने की चोच वाला चांदी की चोच वाला सोने का कौवा नहीं देखा था, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट देखिए, निर्धनया दुहिता मंजूषायाम कानी अपश्यत, निर्धन जो बालिका थी उसने मंजूषा में क्या देखा, तो निर्धनाया दुहिता मंजूषायाम हीरकाणी अपश्यत, निर्धन बेटी ने उसमें हीरो को देखा। नेक्स्ट देखिए, बालिका किम दृष्ट्वा आश्चर्यचकिता जाता, बालिका क्या देखकर आश्चर्यचकित हो गई, बालिका स्वर्णमयी प्रसादम अर्थात सोने का महल देखकर आश्चर्यचकित हो गई। लास्ट वाला देखिए, गर्विता बालिका कीदृश सोपानम अयाचत कीदृशीम च प्रार्थना, मतलब जो बालिका थी लोभी बालिका उसने कौन सी सोपान मतलब कौन सी सीढ़ी मांगी थी और कौन सी प्राप्त करी, तो गर्विता बालिका स्वर्णमय सोपानम सोने की सीढ़ी मांगी थी और ताम्रमय सोपानम प्रयाचत और उसने तांबे की सीढ़ियों को प्राप्त किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपना, क्वेश्चन नंबर 2, अधोलिखित शब्दान विलोम पदम पाठा चित्वा लिखत, इसमें आपको लेसन में से चूज करके इनके विलोम शब्द लिखने हैं जो शब्द आपको दे रखे हैं। पश्चात का अर्थ होता है बाद में, तो इसका विलोम शब्द होगा पूर्व, मतलब पहले, पूर्वम। नेक्स्ट देखिए, हसी तुम मतलब हंसना, तो रोदी तुम रोना, अधः मतलब नीचे, तो इसका होगा अपोजिट ऊपरी, ऊपर। नेक्स्ट है श्वेता मतलब सफ़ेद, तो इसका अपोजिट होगा कृष्ण अर्थात काला। फिर है सूर्यास्त मतलब सनसेट, तो इसका हो जाएगा सूर्योदय। नेक्स्ट सुप्त मतलब सोया हुआ, प्रबुद्ध का अर्थ होता है जागा हुआ। नेक्स्ट देखिए, संधि कुरुत, इसमें आपको संधि करनी है, संधि कर इसके जस्ट पास में आप देख सकते हैं इनके आंसर्स दे रखे हैं। नी प्लस फर्स्ट देखिए, नी प्लस अवसत अर्थात नव्यसत न्यवसत, नी जो है वो अय में जुड़ जाएगा। सूर्य प्लस उदय सूर्योदय, वृक्ष से ऊपरी वृक्षोपरी। नेक्स्ट ही प्लस अकारणाद हिकारयत। नेक्स्ट च प्लस एकाकिनी चेकाकिनी, इति प्लस उक्त्वा इत्युक्त्वा। नेक्स्ट प्रति प्लस अवदत तो प्रत्यवदत। फिर है प्र प्लस उक्तम तो प्रोक्तम। नेक्स्ट अत्र प्लस एव अत्रेव। फिर है तत्र प्लस उपस्थिता तत्रोपस्थिता। और लास्ट देखिए, यथा प्लस इच्छम यथेच्छम। ये है आपके क्वेश्चन नंबर 2 तक यहाँ पर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, इसमें आपको कॉपी में ये दोनों क्वेश्चंस करने हैं, वन वर्ड एंड वन लाइन आंसर्स वाले।